नामानगढ़ बनने जा रहे हैं हवामहल क्षेत्र से, और हवामहल क्षेत्र में जो शिक्षा और विकास का जो बहुत बड़ा मुद्दा है उसको हमने मेन मुद्दा माना है। यहाँ पे शिक्षा के नाम पे बिल्कुल अभाव है, जिसको मुख्य मुद्दा बनाते हुए पार्टी प्रचार करेगी, और हम चाहेंगे कि जनता इस बात को समझे कि अगर हमारे स्थानीय पार्षद स्थानीय प्रत्याशी जो है विधानसभा में पहुंचेंगे तो हम जो जरूर से चुनाव जीतेंगे, और उससे हमारे यहाँ के मुद्दे भी क्लियर होंगे। और यहाँ पे जो शिक्षा का अभाव और विकास बिल्कुल अधूरा पड़ा है, जिसके के बिल्कुल विकास के लिए तरसते हैं। यहाँ पे मंत्री भी जीतते हैं, विधायक भी जीतते हैं, लेकिन विकास अधूरा रहता है। उस विकास को पूरा कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ से पप्पू जी, जो यहाँ की स्थानीय जनता की समस्याओं को सुनते हैं, समाज सेवी के रूप में काम करते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया, और मैं चाहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या में जीत करके सामने आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे फ्रंट पार्टी के रूप में आप यहाँ आ रहे हैं, कितनी चुनौती होगी पार्टी? पूरी चुनौती होगी। हम किसी पार्टी के लिए चुनौती नहीं बनेंगे, हम तो अपने लिए पब्लिक के बीच में जाएंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे कि हमारा विधायक अगर जीत के आएगा तो पूरे काम जो उनके मन की इच्छा है कि उनका शिक्षा और विकास हो, महिला की सुरक्षा हो, वो काम हम पूरे करेंगे। उनकी चुनौती बनने के लिए नहीं आ रहे, हम तो खुद ही चुनौती है उनके लिए। यदि आप सरकार, किसी की सरकार बनती है उसको समर्थन देना पड़ा, तो आप कौन सी सरकार को समर्थन देंगे? देखिए, आज की तारीख में कहना आवश्यक नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, ये सरकार बनने दीजिए, अगर समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो समर्थन करेंगे, नहीं तो हम विधायक रह करके अपनी पार्टी का काम करेंगे। सर, जिन मुद्दों पे अभी बातें चल रही है उन मुद्दों का पूरा किया जाएगा? बिल्कुल पूरा किया जाएगा। ये दिल्ली और पंजाब में आप लोग देख रहे हैं, उस मुद्दे के ऊपर ही पार्टी आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी जो है वो आम जनता की पार्टी है, और इसी शिक्षा और विकास के मुद्दे पर ही पार्टी आगे बढ़ रही है, और उसी को पूरा करेंगे। महिला सुरक्षा का जो हमने दिल्ली और पंजाब में उठाया है वो यहाँ पे भी लागू करेंगे। ठीक है सर।